मौसम समाचार में आपका स्वागत है। मौसम की लेटेस्ट खबर पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें यूएमबी न्यूज को। और किस जिले की मौसम जानकारी आप जानना चाहते हैं, हमको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा प्रदेश के मौसम का। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश, मौसम पर जाने आईएमडी का ताजा अपडेट। मौसम विभाग की माने तो आज से पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ ही आने वाले दिनों में कुछ मैदानी इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है। देश के ज्यादातर राज्यों में गर्मी की शुरुआत हो गई है। कुछ राज्यों में तापमान 35 से 37 डिग्री के बीच पहुंच गया है। इस बीच मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ 28 फरवरी से एक्टिव होगा, जिसका असर पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों पर नजर आएगा। आईएमडी के मुताबिक 28 फरवरी से 2 मार्च तक कई पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। लखनऊ स्थित आंचलिक मौसम केंद्र के मुताबिक पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। हालांकि 28 फरवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, जिसके कारण उत्तर प्रदेश समेत देश के अन्य राज्यों में मौसम ले सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक एक मध्यम तीव्रता वाला पश्चिमी विक्षोभ 28 फरवरी को पश्चिमी हिमालय की ओर बढ़ रहा है। विक्षोभ के चलते 3 मार्च तक पश्चिमी यूपी में छिटपुट बारिश की संभावना जताई जा रही है। यूपी और उत्तराखंड में बारिश की संभावना। स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, कश्मीर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 2 मार्च के बीच पश्चिमी हिमालय पर बारिश और बर्फबारी की तीव्रता बढ़ सकती है। 1 और 2 मार्च को उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, उत्तरी पश्चिम राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश में होली से पहले मौसम अपने रंग बल पल बदल रहा है। एक तरफ लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, अयोध्या, झांसी, आगरा, अलीगढ़, शाहजहांपुर, बस्ती, सुल्तानपुर, बारामती और इटावा में गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मंगलवार से सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ के बारिश के संकेत मिले हैं। यूपी मौसम विभाग के अनुसार नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में कहीं कहीं हल्की बारिश और बादल छाने की संभावना है। आज सक्रिय होगा नया सिस्टम। यूपी मौसम विभाग के अनुसार आज मंगलवार को नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है, तो पंजाब और उत्तरी हरियाणा के आसपास के हिस्सों में एक चक्रवात को सक्रिय करेगा। इसके प्रभाव से 28 फरवरी और 2 मार्च के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छिटपुट बारिश हो सकती है। वहीं तेज हवा चलने के साथ बादल भी छा सकते हैं। मार्च के पहले हफ्ते में प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम? मौसम विभाग की माने तो देश की राजधानी दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं आज दिल्ली में आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं। 1 मार्च को राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग की माने तो अगले 4 दिनों के लिए पहाड़ी जिलों में बारिश और मैदान में ओलावृष्टि जारी रह सकती है। आईएमडी ने उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। वहीं 27 और 28 फरवरी को गढ़वाल मंडल के पहाड़ी जिलों में, कुमाऊं के पिथौरागढ़ और बागेश्वर में हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। इसी के कारण 1 या 2 मार्च को पहाड़ी जिलों में कई जगह पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। हरियाणा, चंडीगढ़ में 1 और 2 मार्च को बारिश हो सकती है। वहीं 1 मार्च को कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के सुदूर इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश में 28 फरवरी और 1 मार्च को गरज के साथ ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। इसी के साथ सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी द्वीपों में हल्की बारिश हो सकती है। ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हम आपको हर रोज ताज़ा अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए।